अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी चटनी जिसको आप लोग स्पेशली अपने बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। चटनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया इमली का पल्प आधा कप। मैंने 4 टेबल स्पून इमली ली, उसको मैंने आधा कप पानी में भिगो दिया। इमली का पल्प हमारा रेडी हो गया। फिर मैंने इसमें ऐड किया आधा टी स्पून कुटी मिर्चों का। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया आधा टी स्पून नमक का। फिर मैंने इसमें ऐड किया 1 टी स्पून जीरा पाउडर का। ठीक, यहाँ पे फिर मैंने ले लिया एक मुट्ठी धनिया और पुदीने की और 5-6 हरी मिर्चें ले ली। इसको मैंने मिक्स कर लिया जो इमली का पल्प में मसाले ऐड किए थे। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स चले गए हमारे ग्राइंडर में। सही है, ग्राइंडर में हमने ये डाल दिया हरा धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज, और इसके साथ ही अपना जो इमली का पल्प था जिसमें सारे मसाले थे वो भी इसमें चला गया। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा ग्राइंड। ज़बरदस्त सी मज़ेदार हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं बारबेक्यू के साथ। मंदी बनाए तो उसके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी खट्टी मीठी चटनी होती है ये। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फूड फॉर थॉट में हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।